अब वोट नहीं करता, उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा। अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। स्टडी द कैंडिडेट्स बिफोर यू वोट, नो व्हाट यू आर वोटिंग फॉर। जैसे मैंने किया ये देखो, चल के कहोगे कि सरकार ये नहीं करती वो नहीं करती, और अभी आज आप मतदान नहीं करोगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, जिसने मतदान नहीं किया वो जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार नहीं है। जो लोग वोट नहीं करते आपने कहा कि उनका टैक्स, अब वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो, या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे, एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया, और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था, करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा। इस वक्त लाइन में खड़े रहे कि आपने मतदान किया सर, एक सेलिब्रिटी तो क्या करूं, लाइन तोड़ के निकल जाऊं आगे। सर, दोबारा सिटीजनशिप मिलने के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 बढ़िया। मैं अपील कर रहा हूँ कि यार सब लोग आओ वोट कीजिए, आप लोग सब आना चाहिए, जैसे मैंने किया ये देखो। सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और आप सबसे मैं दरखास्त करती हूँ कि वोट जरूर दीजिए। मैं इंडस्ट्री से हूँ और मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उत्तरदायित्व से अपना फर्ज निभाते हैं। मैंने अभी बहुत सारे लोगों के फोटोग्राफ्स देखे, अक्षय का देखा जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। किसी को सेग्रीगेट करना, उनको डिफेंसिव करना ठीक नहीं है। आज हम सबको ये जो पर्व हम मनाते हैं डेमोक्रेसी का, उसको मनाने का मौका मिला है, और जहां हमारे अधिकार भी हैं वहां हमारे कर्तव्य भी हैं, मगर आज का जो ये तिलक है वो इस तिलक से बड़ा होता है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी, आज प्रजातंत्र का महोत्सव है, और आज हमें बाहर आकर अपने घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ताकि आगे 5 साल तक हमें किस तरह की सरकार चाहिए, किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसका हम फायदा उठा सकें। अगर आप आज बाहर नहीं आते हैं और आज अपना वोट नहीं करते हैं, फिर आपको कोई अधिकार नहीं है 5 साल तक किसी भी किस्म की शिकायत करने का, चाहे वो व्यवस्था से हो, चाहे वो पॉलिटिशियन से हो, क्योंकि आपने अपना अधिकार खोया है अगर आपने वोट नहीं किया। सर, आज एक ऐसे चरण का मतदान है जहां आप वोट कर रहे हैं, उस जगह ऐसा है कि आज फाइनल एक मोड़ है जहां से टर्न ले लेगा सरकार की तरफ, लोग ये मान रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये सोचकर वोट नहीं करता हूं कि क्या टर्न हो रहा है क्या है। मुझे लगता है कि मैं इस शख्सियत पर या इस पार्टी पर भरोसा करता हूं। मुझे लगता है कि इस पार्टी ने अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में, और आगे आने वाले 5 सालों में अच्छा काम करने की संभावना है। मैं वो सोचकर वोट करता हूं इंडिविजुअल, बिकॉज ये मेरा इंडिविजुअल अधिकार है, और कहां किस मोड़ पर है वो मैं उसके बारे में मुझे रुचि नहीं है। कश्मीर इस देश की जान है, क्या कश्मीर वोटिंग का मुद्दा रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ मतलब मैंने बताया ना कि मुद्दे की वजह से तो वोट, मैं तो आज अपना अधिकार को पूरा करने आया हूं, अपने मन में रखूंगा ना सारे, बता दिया सारे मुद्दे क्या हैं, तो फिर क्या फायदा। मैं बाहर शूट कर रहा हूं, मैं वहां छोड़ के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए, और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि मिस्टर एंड मिसेज माही का प्रमोशन भी है, तो अभी जल्दी फ्लाइट है, जानवी भी वहां वेट कर रही है, हम दोनों को जाना है, प्रमोट करना है बनारस में, वाराणसी में, काशी में प्रमोट करना है, उसके बाद शूट भी रेज्यूम करना है। बहुत ही खुशी का दिन है आज, और हम सब नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को जाना चाहिए और वोट करना चाहिए, और इसलिए मैं वोट कर रही हूँ।